और देखिए आज हम जा रहे हैं बनाने, तो देखिए आज हम जा रहे हैं बनाने अंडा पनीर। रुको बेटा, बजा बजे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ये अंडे रखे हैं, 6 अंडे। अभी हम इसे कटोरी में निकालेंगे और कटोरी जो है उसको ऑयल से थोड़ा सा घस लेंगे और इसको फोड़ेंगे उसमें, और हम कढ़ाई में उबालेंगे अभी कटोरी में फोर करके। और ये देखिए हमने फ़ौरन तैयार करके रखे हैं लहसुन मिर्च जीरा, और ये हम मसाला पीसने के लिए सारा जमा किए हैं। मीट मसाला है, लहसुन जीरा और मिर्च है, हरा मिर्च है। और ये देखिए मेरा प्याज है बारीक कटे हुए हैं, और आलू टमाटर वगैरह सारा चीज़ रखे हैं। और इसमें मेरा ऑयल है, और इसमें मेरा नमक है, स्वाद अनुसार डालेंगे। और ये देखिए हमने आटा चल करके अच्छे से रख लिया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आग जलाते हैं। क्या खा रहा है बाबू, क्या खा रहा है? ये देखिए दोस्तों, हम आग जला चुके हैं और हम कढ़ाई भी चढ़ा चुके हैं, पानी डाल दिए हैं। चलिए दोस्तों, ये मेरा कढ़ाई तब तक गर्म है तब तक ये जो अंडे हैं इसको फोर करके हम कटोरी में अच्छे से ले आते हैं। क्या हुआ? तो चलिए दोस्तों, ये देखिए जो है हम अंडे को फोर करके और पानी बांध करके अच्छे से रबड़ लगा करके ले आए हैं। तो चलिए हम इस कढ़ाई में डालेंगे, गर्म है वो, ये मेरा गर्म हो चुका है ये देखिए। और हम इसमें आलू भी डाल दे रहे हैं। मटल बाबू, अब नहीं डालना है बाबू, छोड़ दो। देख रहे हैं बाबू के पहना है टोपी, वहाँ पे जो फेंक दिया वहाँ देख रहे हैं, वो फेंक दिया अभी इधर के, फिर इसको पहना है कि नहीं खोलने का। बाबू को देखो तो कल तबीयत ठीक नहीं था और आज खेल रहे हैं। क्या बाबू, ये क्या करेगा साला? दीदी बाबू। तो चलिए दोस्तों, हम जो मसाला मेरा रखा हुआ है खड़ा मसाला जो है, तो चलिए हम उसको पीस करके ले आते हैं। और उसके बाद तो फिर चलिए दोस्तों, सबसे पहले ले करके उसको पीस करके अच्छे से और ले करके आते हैं, ठीक है? तो ये देखिए दोस्तों, हम मसाला पीस करके ले आए हैं। ये देखिए मसाला पीस करके ले आए हैं, इसको रख दे रहे हैं और इसको ढक देंगे। इसको ढक दिए हम अच्छे से, इसको ढक दिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम आटे को गूंद लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक बार इसको देखते हैं कि कैसा है। ये देखिए दोस्तों, हमने आटे गूंद करके ले आए हैं। ये देखिए, ये अब हम गूंद लिया आटा, इसे हम अच्छे से इसको ढक देते हैं। और चलिए दोस्तों, अब हम इसको ढक देंगे। और चलिए, ये जो मेरा धनिया पत्ता है इसको हम बारीक काट लेते हैं, इसको अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो चलिए दोस्तों,
ये मेरा बन करके तैयार हो चुका है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। अब इसमें से हम आलू वगैरह सब निकाल लेते हैं। चलिए हम इसको खोलते हैं। ये देखिए हम धो करके कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं, और तरी जब तक मेरा ये, इसको हम तब तक काटेंगे पनीर जैसे। चलिए दोस्तों इसको काट करते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने अच्छे से कट कर लिया इससे पनीर जैसे। और ये देखिए मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो हम तेल इसमें ऐड कर दिए हैं। और चलिए हम सारा चीज़ रख लेते हैं इसे छान करके, हमें इसे छान करके और हमें जल्दी से फ़ौरन डाल देंगे। और ये प्याज भी मेरा है बारीक कटे हुए हैं सारा। तो देखिए दोस्तों मेरा तेल गर्म हो चुका है, तो हम इसे सारे चीज़ को डालें देंगे। हम इस पनीर को, जो अंडा पनीर है, इसको हम छान करके निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन, इस बर्तन में निकालेंगे। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं कि अब कैसा हुआ है। अभी नहीं हुआ है, जब ये हो जाएगा तो हम इसे निकाल देंगे। तो देखिए दोस्तों हमने फ़ौरन वगैरह सारा डाल दिया है इसमें। ये देखिए मेरा फ़ौरन वगैरह है, तो चलिए हम प्याज भी डाल दे रहे हैं। तो मेरा बारीक कटा हुआ प्याज था, हम उसमें ऐड कर लिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये मेरा प्याज भुजा चुका है। तो चलिए ये देखिए मेरा मसाला है, मसाले को डालते हैं। अभी हम लेते हैं अच्छे से भूज लेंगे इसको। और ये जो मेरा आलू है, हम आलू को भी इसमें डाल दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ये मेरा जो मसाला डालते हैं वो तो मेरा भुजा चुका है। ये मेरा मीट मसाला है, हम अलग से पीस करके लाए हैं। और ये जो हम गरम पानी चढ़ाए थे उसी को हम डालेंगे अभी।
चलिए हम इसमें नमक ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो हम नमक वगैरह डाल दिए हैं। चलिए हम इसमें अब पनीर ऐड कर देते हैं। ये देखिए मेरा अंडा पनीर है, हम इसको ऐड कर देंगे इसमें। और हम इसको अच्छे से ढक देंगे। ये 10 मिनट में मेरा तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा अंडा पनीर बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए पनीर जैसे देखने ही मिल, देखिए। तो चलिए हम इसमें धनिया पत्ता जो बारीक कटे हुए हैं हमारे, हम इसमें ऐड करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको उतार देते हैं। अब हम इसको ढक देंगे। और चलिए अब हम रोटी लगा लेते हैं। थोड़ा सा हाथ से एक लोग ठंड लग रहा है। चलिए अब हम रोटी लगा लेते हैं। चलिए दोस्तों हमने कढ़ाई तवा चढ़ा दिया है। और इस साइड मेरा ये जो पतला है उसमें हम रोटी नहीं लगाते। चलिए हम इसमें रोटी लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों रोटी हमारा बन रहा है। रोटी हम बना ले रहे हैं। ये देखिए मेरा रोटी बन करके तैयार हो चुका है। देखिए चलिए चक बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत शाम रात हो चुका है। तो चलिए दोस्तों ये तो हमने बना चुके हैं पनीर का जो है।